सो वेलकम बैक टू आर चैनल कला होम हैप्पी विद नितिका। मेरे सारे फ्रेंड्स का बहुत 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 स्वागत है। आज आपके लिए लेके आई हूँ कुछ लास्ट मिनट स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन हैक्स, और बहुत ही इजी हैं। और आपको जैसे अभी दिवाली की सफाई सबके घरों में जोरों शोरों पे है, तो उसमें बहुत यूज़फुल हैं वो पांच चीज़ें जो हर घर में मैनेज होनी मुश्किल रहती हैं। सो उनके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ। जिन पांच चीज़ों के लिए सभी घरों में लगभग ऐसी ऐसी आवाज़ें आती हैं ना, अरे कहाँ हो, मुझे सॉक्स का पेयर का दूसरा सॉक्स नहीं मिल रहा है, कहाँ पे रखा है तुमने, अरे हेयर पिन नहीं मिल रहा है, मम्मी मुझे पार्टी में जाना है, मामा मेरे सॉफ्ट टॉयज कहाँ हैं, मैं कहाँ से लूँ, कहाँ रखे हैं यार, पार्टी में जाने के लिए तो मुझे भी लेट हो रहा है, बट मैं इयर रिंग कैसे निकालूँ, मैं मिल ही नहीं रहे हैं, इयर रिंग का एक पार्ट नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, ओ माई गॉड। ऐसी सब आवाज़ें अगर आपके घर में भी आती रहती हैं ना, तो ये पांच चीज़ें आपके लिए ज़रूर बनती हैं। आप लोग ज़रूर देखिए और फिर बताइए कैसा लगा। तो ये है सॉफ्ट टॉयज़ को स्टोर करने का सबसे मैनेज तरीका मुझे जो लगा, और आपको इजीली मिल भी जाएंगे। ये ऐसी हमने वो ले ली चेन्स, प्लास्टिक की चेन है ये, और इनमें सब में हुक्स लगे हुए हैं, तो बस उन पे आपको टांग के छोड़ देना है, फिर आपका बच्चा जब भी मांगे आप दे सकते हो। बहुत ही इजी चीज़ लगी मुझे और बहुत ही मेंटेनेबल है। ये देखो बस इस तरह से ये टांग सकते हैं, बहुत इजी है। ये देखो हम सब लोग जब भी कुछ चूज़ करने निकलते हैं, हमारे पास इतनी आइटम्स होती हैं कि सब इधर उधर हो जाता है, और अब क्या तो हम इयररिंग्स ढूंढें, एक पेयर में से एक मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा तो कैसे हो आखिर। तो इसका भी कुछ सॉल्यूशन है किसी के पास, तो मेरे पास तो जो सॉल्यूशन मुझे मिला है बहुत बेस्ट मिल गया, और बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे हाथ लगी है अमेज़ॉन से, दिखाती हूँ अभी। ये देखो ये बॉक्स मुझे मिला, और इसमें पार्टीशंस भी होते हैं इस तरह के, इसमें पार्टीशंस लगा सकते हो आप कहीं भी, आप बॉक्स को कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो, कोई से भी साइज़ का एक खाना आप बना सकते हो। सो मैं अपने अकॉर्डिंग्स में लगा रही हूँ, और फिर मैं अपनी सारी ज्वेलरी अभी आपको ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ, स्टोरेज के साथ साथ वो चीज़ ऑर्गेनाइज भी हो और मेंटेन भी हो सके, और साथ में मैनेज करना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखा आपने कितनी इजीली सब मैनेज हुआ, और एक एक चीज़ को अपना स्पेस मिल रहा है, कोई भी कहीं अटकेगा नहीं, और सब आपको दिखेगा भी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है, इसमें यहाँ पे दो लॉक्स हैं, दोनों लॉक लगाने के बाद आप चाहे इस डिब्बे को टांग लीजिए, हैंग कर लो, या फिर आप इसको उल्टा भी कर दो। इस तरह से तो भी आपकी ज्वेलरी इधर के उधर मिक्सअप नहीं होगी। हम लोगों के पास इतने कुर्ते इतने दुपट्टे होते हैं कि हम लोग हैंगर भी हर चीज़ को हैंग करें तो कहाँ तक हैंगर यूज़ करेंगे, और अलमीरा छोटी पड़ जाएगी। तो मुझे मिला है एक हैंगर अमेज़ॉन से, इसका 3 का सेट आया था, और ये बहुत मजबूत भी है, और ये देखिए इतने से स्पेस में आपके 5 कुर्ते टंग गए। ऐसे ही आप दुपट्टे टांग सकते हैं, और मुझे बहुत स्पेस इफ़ेक्टिव लगा और ऑर्गेनाइज भी हो गया, और इजीली आप लगा भी सकते हो और निकाल भी सकते हो। ये देखो इसी तरह दुपट्टे टंग गए, अब हर घर की समस्या होती है कि सॉक्स में पेयर में एक मिल गया दूसरा मिला नहीं, तो
उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये देखो ये दो सॉक्स ली और इनको रोल करके आपस में अटैच कर दो और ये स्पेस भी बचाएगा आपका और आपको हमेशा पेयर पूरा मिलेगा। तो जब भी कपड़े धुल के आएँ, सूख के आएँ, तो आप जब फोल्ड कर रहे हो तो बस ये अपना तरीका हमेशा यूज़ करें। सो आपको सॉक्स का पेयर ना मिले ऐसा कभी होगा ही नहीं। अब उससे भी कम स्पेस में आपको बात बहुत सुलझी हुई लगेगी। वो ये बॉक्स आप लोग पहचानते हैं, ये कहीं भी बेकरी या स्वीट्स से आजकल ऐसे बॉक्सेस आते हैं, तो इनको फेंकिए मत, इनको यूज़ कीजिए। जो बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ में आजकल बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस आते हैं और हम लोगों को वो अगर अलमीरा में रखेंगे ना तो हमारा स्पेस इतना ज़्यादा भर जाता है। तो हम इस इन बॉक्सेस में अगर उनके टॉयज़ रख रहे हैं छोटे वाले और इजीली हमें दिखते भी हैं, बच्चा खुद भी निकाल के ला सकता है, ना कुछ लिखने की ज़रूरत है, सब ये लॉक भी हो जाते हैं, कुछ गिरने वाला नहीं है, तो बहुत अच्छा तरीका मुझे लगता है। मैं हमेशा उनके रियल बॉक्सेस में से शिफ्ट कर देती हूँ इन टॉयज़ को, ये देखो। सभी डॉटर्स की मदर्स के लिए उनके हेयर पिन्स एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। सो क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना होता है तो हेयर पिन सही मिल जाए वो ज़रूरी ही नहीं है। सो मैंने उनको हैंग करने का एक तरीका ढूंढा है और इस तरह से मैंने एक ये DIY किया और इस पर अब हम इजीली लगा सकते हैं। और मैंने उसके सारे हेयर पिन्स इस पर लगाए और बहुत सारी स्पेस बची भी है। और आप इसमें रबर बैंड्स भी डाल सकते हैं। मैंने नीचे कुछ क्लोथ्स पिन को हैंग कर दिया है, यहाँ पर भी दिखाती हूँ मैं आपको। इस तरह से उसके सारे हेयर पिन यहाँ आ गए और कहीं कोई स्पेस भरा हुआ अंदर नहीं रहा, टाइम पे आपको मिल जाएंगे। वो खुद भी आप उसे बोलोगे कि ब्लू वाला ले आओ बेटा तो वो ले के जा सकती है। सो दिस इज़ ईजी। और नीचे इसमें मैंने ये देखे कपड़ों की जो चिमटियाँ होती हैं वो हैंग कर दी हैं 3-4, तो उसके जो अच्छे वाले हेयर बैंड्स जो डेली यूज़ से अलग हैं वो हम यहाँ पे टांग लेते हैं। और ये कुछ छोटे जो क्लचर्स होते हैं उनको एक रबर बैंड में करके इस तरह से टांग दिया, तो बहुत ईजीली सब दिख जाएगा। बहुत बहुत ईजी हैंडल हो गया ये। ये देखिए मैंने एक रबर बैंड लिया और उस पर इन सबको इस तरह से अटका दिया। ये बताइए कैसी लगी वीडियो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, एंड प्लीज़ 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 स्टे ट्यून टू द चैनल।